हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये है नीथो ड्राइव प्रो गेमिंग व्हील। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं एक गेमिंग स्टीयरिंग व्हील की। इसे मैंने खरीदा है अमेजोन से 4500 रुपीज़ में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप भी चाहे तो इस गेमिंग व्हील को खरीद भी सकते हो। बेसिकली दोस्तों, इस तरह की जो गेमिंग व्हील्स होती है हम लोग रेसिंग गेम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो गेमिंग व्हील है काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में मिल रही थी, इसीलिए मैंने इसे खरीदा है। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हमें 180 डिग्री स्टीयरिंग मिलती है, वाइब्रेशन है, फुल्ली प्रोग्रामेबल है, USB कंपैटिबल है और ये गेमिंग व्हील बहुत सारी चीज़ों से कंपैटिबल है, जैसे कि PS4, PS3, स्विच, PC, Xbox One को भी इसे आप अटैच कर सकते हो। बॉक्स जो है पीछे की तरफ से इस तरह का दिखाई देता है। इसके साथ हमें पैडल्स भी मिल जाते हैं, एक ब्रेक के लिए काम में आता है, एक एक्सकलेटर के लिए काम में आता है। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से मैं कर लेता हूँ बॉक्स को ओपन। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ और ऑल पर भी जरूर से क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। सबसे ऊपर हमें मिली है इसकी एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड, और यह है सबसे खतरनाक चीज, हमारी स्टीयरिंग। अच्छे से पैक किया हुआ है गाइस इन लोगों ने, और स्टीयरिंग को सपोर्ट करने के लिए ये एक पार्ट है। इसे किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखते रहना। और ये रहे इसके पैडल्स, और इसके अंदर कुछ स्क्रूज वगैरह मिल जाते हैं और कुछ केबल्स वगैरह हैं। तो दोस्तों, बॉक्स के अंदर हमें इतनी सारी चीज़ें मिली है, तो सबसे पहले मैं आपको हमारी स्टीयरिंग दिखा देता हूँ। स्टीयरिंग के ऊपर आप देख रहे होंगे सारे के सारे बटन्स दिए हुए, जैसे कि यहाँ पर 4 बटन्स है, यहाँ पर डी पैड है, जैसा एक गेम पैड में होता है बिल्कुल उसी तरह के बटन्स मिल जाते हैं गाइस इसके अंदर हमें। यहाँ पर भी ढेर सारे बटन्स है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एन बोलकर ब्रांडिंग दी गई है नीथो की। यहाँ से आप स्टीयरिंग को पूरी तरीके से प्रोग्राम भी कर सकते हो। जहाँ तक बात करूँगा इसमें इसकी क्वालिटी की, इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी क्वालिटी जो है मुझे ठीक ठाक सी लगी। यहाँ पे गियर के इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे इसके पैडल शिफ्टर्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप गियर्स को अप कर सकते हो, यहाँ से गियर को डाउन कर सकते हो। क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और नीचे की तरफ यहाँ पे इसके सक्शन कप्स, जस्ट आपको टेबल पर इसको इस तरह से रख देना है और ये जो है वहाँ पर चिपक जाएगा। उसके बाद ये भी लगाकर आप फिट कर सकते हो। जहाँ तक गाइस मेरा आइडिया है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो सक्शन कप्स है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। अभी मेरा हाथ ही यहाँ पर चिपक चुका था, इतने ज़्यादा स्ट्रांग सक्शन कप्स दिए गए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे है इसका केबल, केबल की भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है गाइस। ये जो केबल है सिर्फ हमें अपनी PC के अंदर लगाना है, ये प्लग एंड प्ले है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं गाइस इसके अंदर। तो ये जो स्टीयरिंग है 180 डिग्री तक आप टर्न कर सकते हो। जो हाई रेंज की स्टीयरिंग व्हील्स होती है वो जो है पूरी 360 डिग्री तक टर्न हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ नज़र आ रही है इसकी स्टीयरिंग। अगर मैं इसको कॉर्नर तक लेके आकर छोड़ भी देता हूँ तो ये अपनी जगह पर वापस चली जाएगी। जैसे कि इस तरह का जो सिस्टम होता है पावर स्टीयरिंग में दिया जाता है कार्स के अंदर, तो बिल्कुल उसी तरह का ही इन लोगों ने कॉपी कर रखा है। तो मेरे को इसकी क्वालिटी जो है ठीक ठाक ही लगी गाइस। तो अभी मैं आपको इसके पैडल्स भी दिखा देता हूँ। ये जो पैडल्स है पूरी तरीके से प्लास्टिक के बने हुए हैं। ये है एक्सकलेटर और ये है ब्रेक, तो भाई ठीक ठाक ही है। ये केबल है, ये जो केबल है स्टीयरिंग के अंदर बैठ जाता है, तो भाई आपको दिख रहा होगा जस्ट मैंने यहाँ पे इसको रखा है, अभी ये यहाँ से हिलेगी नहीं भाई। तो इसको निकालने के लिए मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसके साथ हमें एक और केबल मिला है, ये केबल जो है हम लोग निंटेंडो स्विच के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अभी चलते हैं सीधा मेरे PC के पास। स्टीयरिंग को मैं किस तरह से कनेक्ट करना है PC के साथ वो भी बताऊँगा, और थोड़ी बहुत गेमिंग भी मैं आपको करके बताऊँगा। सबसे पहले खेलेंगे GTA 5 गेम। गाइस, स्टीयरिंग को मैंने टेबल पर रख दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ इसके सक्शन कप के सहारे ये स्टीयरिंग जो है यहाँ पर टिकी हुई है, काफी मजबूत तरीके से टिकी हुई है, तो ये लगाने की भी जरूरत नहीं है गाइस। ये जो केबल है स्टीयरिंग से कनेक्ट होती है, इसको लगाना होगा USB में, लगा दिया मैंने। अब जैसे ही इसके अंदर लगाते हो यहाँ पर रेड कलर की एक लाइट ब्लिंक होगी, तो ये रेडी टू यूज हो चुकी है अभी।
अभी ये जो पैडल्स है, पैडल्स से एक वायर निकलता है यहाँ पर स्टीयरिंग के अंदर, हमें ये वायर को कनेक्ट करना होता है, मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो अभी पैडल्स को मैं नीचे रख देता हूँ। तो गेम के अंदर मैंने थोड़े सेटिंग्स किए हैं, जैसे कि ये जो पैडल शिफ्टर्स है मैं भी यहाँ पर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अभी इस कार को मैं जो है फुली ऑटोमेटिक मोड में चलाने वाला हूँ, जस्ट मुझे एक्सेलेटर प्रेस करना है, गियर्स भी जो है ऑटोमेटिक खुद ही गिरते जाएंगे। पहले ये सीखूंगा मैं, उसके बाद पैडल शिफ्टर्स किस तरह से यूज़ करना है ये सीखूंगा। तो भाई काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है ये स्टीयरिंग लगाकर गेम खेलने के लिए। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं गेम को। पहले मैं पैडल प्रेस करूंगा, देखते हैं कार आगे बढ़ती है कि नहीं। ओ भाई जा रही है यार, देखो रिवर्स भी जा रही है। तो अभी टर्न करते हैं। ओ हो भाई साहब पहली बार में ठुक गई। तो रिवर्स लेते हैं थोड़ा, देख रहे हो गाइस यहाँ पर मैं जैसे ही इसको राइट कर रहा हूँ, लेफ्ट कर रहा हूँ, व्हील्स जो है टर्न हो रहे हैं। तो धीरे से कार जो है यहाँ से निकालते हैं यार। ओ भाई एकदम नई कार को मैंने जो है ठोक रखा है। अरे भाई तू कहाँ से आ गया यार बीच में, मैं अभी सीख रहा हूँ यार। ओके तो थोड़ा धीरे ही चलाते हैं अभी, यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है आज। ओ मजा आ गया गाइस। ओ हो अच्छे से कंट्रोल हो रही है कार, पर मेरे को काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसे सही से चलाने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं सीधा हाईवे पर, वहाँ पर फुल स्पीड में चला के बताऊंगा मैं आपको। ओ भाई साहब तो भाई हम लोग अभी आ चुके हैं हाईवे पर। तो यहाँ पर मैंने कार भी चेंज कर दी है, अभी हमारे पास कार है लंबोर्गिनी सयान, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्पोर्ट्स कार है। तो अभी हाईवे पे होने के कारण इसको खतरनाक तरीके से मैं भी दौड़ाने वाला हूँ। ओहो देखा गाइस आपने इसकी स्पीड, वाओ दोस्तों। अभी हम आ चुके हैं GTA 5 में माउंट चिल्लाइड के पास, यहाँ पर हम ऑफ रोडिंग करने वाले हैं और हमारे पास है एक जिप्सी। तो चलो अभी चलाते हैं, बहुत ही बड़ी वैली है ये और एक बहुत ही बड़ा माउंटेन है। तो स्टीयरिंग मेरे हिसाब से परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, तो इस तरह की स्टीयरिंग्स को जो है हम लोग ऑफ रोड में चला कर ही सही से टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कार को जो है काफी ज्यादा टर्न करना पड़ता है। वाओ क्या खतरनाक नजारा है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर। मेरे को इधर जाना है शायद।
तो अभी हम चलाने वाले हैं मैनुअल मोड में कार को, तो अभी गियर्स वगैरह हमें डालना पड़ता है गाइस। सारी सेटिंग्स वगैरह मैंने कर दी है, तो अभी हमारी कार जो है न्यूट्रल में है। मैं आपको रेस करके बताता हूँ कार, देख रहे हो लंबोर्गिनी उरुस है। अभी फर्स्ट गियर में डालते हैं कार को, अपनी गाड़ी इतनी नीचे आकर गिरी है। तो दोस्तों आपको ये स्टीयरिंग कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आप ये स्टीयरिंग खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस स्टीयरिंग को खरीद भी सकते हो। मेरे को गाइस इस रेंज के अंदर ये जो स्टीयरिंग है काफी ज्यादा कमाल की लगी, और भाई इससे भी ज्यादा रेंज वाले स्टीयरिंग्स भी आते हैं, जैसे कि लॉगिटेक की आती है वो तकरीबन 24 से 25,000 रुपयों में मिलती है। अगर गाइस मेरे चैनल को आप इसी तरह से सपोर्ट करोगे तो उसकी भी अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पर मैं ज़रूर से लेके आऊँगा। तो चलो दोस्तों अभी दे देता हूँ मैं शाउट आउट। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट, तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है अश्लेष, तौसीफ खान, सूरज, इंदु, बाबिन सरकार, मानिक, तेजस पारक, अम्बरीश, निखिल, साई, शुभम। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर होती है एंड, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।